चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। नमस्ते, माय नेम इज चैंग एंड आई एम नॉट कोरोना वायरस। अब तुम सोच रहे होगे कि शाहरुख खान का यह पॉपुलर डायलॉग मैं ऐसे घुमा फिरा कर क्यों डिलीवर कर रहा हूं। लेट मी एक्सप्लेन। ये बात लॉकडाउन से कुछ दिनों पहले की है। एक बंदा रात को अपने घर वापस जा रहा था, जब अचानक बाइक पर सवार दो लोग उसके बगल से गुजरे, उसे देखा और जोर से चिल्लाए कोरोना वायरस और निकल गए। क्यों? शायद क्योंकि वो थोड़ा अलग दिखता था। अब बंदे को तो बहुत गुस्सा आया, बंदे का मन किया ना कि मैं गालियां दूं, कुछ तो करूं मैं, लेकिन फिर वो संभल गया। उसने इग्नोर किया क्योंकि ऐसी रेसिस्ट बातें वो बचपन से इग्नोर करता है। कभी चिंग चोंग, कभी मोमो, कभी हाका नूडल्स, कभी नकली माल, कभी ए आंखें तो खोल ले साले, और ना जाने क्या क्या इग्नोर किया। वो बंदा मैं था, एन इंडियन ऑफ चाइनीज डिसेंट, लेकिन वो किसी के साथ भी हो सकता था, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी लड़के या लड़की के साथ, और शायद हुआ भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वॉट्स द बिग डील यार, और भी गम है जमाने में, अरे मजाक किया होगा यार, चिल कर। एंड यू नो व्हाट, यू आर एक्चुअली राइट, मजाक ही किया होगा। मजाक मजाक में ही दिल्ली में एक अंकल एक मणिपुरी लड़की पर थूक पड़े। मजाक मजाक में ही अहमदाबाद और कोलकाता में नागालैंड के कुछ लोगों को उनके घरों से खदेड़ा गया। मजाक मजाक में ही पुणे में एक आंटी एक मीजो लड़की पर सरेआम बरस पड़ी। मजाक मजाक में किसी को यह एहसास दिलाया गया कि तुम इस देश के होकर भी इस देश के नहीं हो। Go back to China, Nepal, wherever you're from, ये कह के किसी के वजूद को ठेस पहुंचाई। यार ये मजाक तो नहीं है, ये तो कैजुअल रेसिज्म है। और रेसिज्म अगेंस्ट इंडियन चाइनीज, नॉर्थ ईस्ट इंडियंस और एनीबडी फॉर दैट मैटर इज नॉट कूल, मजाक में भी नहीं, क्योंकि मजाक से कहां चला जाता है ये तो हम देख चुके हैं। इसलिए अगर आपके पास कुछ अच्छा कहने को ना हो तो कुछ कहो ही मत। यू द युवा ऑफ इंडिया, मैं जानता हूं कि तुम सबसे ज्यादा काइंड, स्मार्ट और सेंसिटिव हो, कि तुम मेरी बात समझ रहे हो और दूसरों को भी समझाओगे, ताकि एक ना एक दिन हम सब समझ जाएंगे कि प्लीज डोंट बी रेसिस्ट। कुछ करना ही है तो प्लीज लव एंड रिस्पेक्ट योर फेलो ह्यूमन बीइंग, खास तौर से ऐसे वक्त पर जब हम सबको साथ होना चाहिए, खास तौर से ऐसे वक्त पर व्हेन वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी डिवाइडेड। थैंक यू सो मच एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।